ये हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट डेरिवेशन आता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, विच इज नोन एज मेयर्स इक्वेशन, एंड हमें प्रूव करना है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। देखो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी इसको प्रूव किया है, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में। केमिस्ट्री और फिजिक्स के डेरिवेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे याद होगा वहां पर हमने क्या किया है, डेल्टा एच हमारे पास क्या होता है, टीपी डेल्टा टी, मतलब एंथैल्पी को हम लिखते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बट ये केमिस्ट्री में चलता है, यहाँ डेल्टा का यूज नहीं करना है हमें, यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। डीएच इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सीपी डीटी, एंड दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, डी यू आएगा, इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो ये क्या है हमारे पास, एंथैल्पी, और ये डेल्टा यू मीन्स क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। और जैसा कि हम लोगों को पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी, बट दिस इज फॉर एन मोल्स एंड हमें चाहिए 1 मोल के लिए। सो पी इंटू डीवी 1 मोल होगा आर डी टी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नाउ डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, होता है ऐसा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। नाउ डी एच की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं सी पी डी टी, डी यू की प्लेस पे टीवी डी टी, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, आर डी टी। डी टी सब में से कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो तो सी पी इक्वल्स टू क्या आ गया, सी वी प्लस आर। दिस शोज दैट सी पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी वी। इसी को हमने कौन सी इक्वेशन बोला है, मेयर्स इक्वेशन। और सी पी सी वी के रेशियो को याद रखना, क्या बोलते हैं हम, गामा। गामा इज रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपांशन। गैस को हमने इनिशियली कंप्रेस करके रखा है पी वन प्रेशर एंड वी वन वॉल्यूम पे। नाउ गैस एक्सपांड हो रही धीरे धीरे, एंड सपोज द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स वी टू एंड फाइनल प्रेशर बिकम्स पी टू, एंड ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है हमने डी एक्स। हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन इन एक्सपांशन। नाउ जैसा कि हमें पता है वर्क डन मीन्स क्या होता है, स्मॉल वर्क डन मीन्स क्या होना चाहिए, पी इंटू डी वी होना चाहिए वर्क डन। नाउ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to W, एंड दिस फ्रॉम वी वन टू वी टू, बिकॉज गैस एक्सपांड हो रही है फ्रॉम वी वन वॉल्यूम टू वी टू वॉल्यूम, ये तो W आ जाएगा। नाउ हमारे पास पी जो है ना, इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ये कैसे सब्सटीट्यूट होगा, बिकॉज वी नो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो हम लोग पी को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाय बी। ये वैल्यू को हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। नाउ दिस एन आर टी इज कॉन्स्टेंट, कैसे पता चला, बिकॉज हम वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो अदर देन वी बाकी सब क्या है हमारे लिए, कॉन्स्टेंट है। 1 बाय वी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इज नेचुरल लॉग एक्स, क्या होता है, नेचुरल लॉग एक्स।
मॉड लगाते हैं जनरली जब हम इंटीग्रेट करते हैं, पर यहाँ हम यूज नहीं करेंगे। तो एन आर टी आ जाता है, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा हमारे पास नेचुरल लॉग वी। मॉड क्यों लगाते हैं? बिकॉज लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लिमिट अप्लाई करें, नेचुरल लॉग वी टू माइनस नेचुरल लॉग वी वन। नाउ लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाय बी। तो वर्क डन क्या आएगा हमारे पास? एन आर टी क्या होगा आगे? नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन। फिर हमारे पास जो लॉग टेबल होते हैं उनमें नेचुरल लॉग नहीं होता, बेस 10 होता है। तो नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 2.303 होगा। नाउ ये लॉग लिख सकते हैं जिसका बेस क्या है? 10। ये बेस 10 लिखा नहीं जाता है। तो फाइनली ये जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। इससे भी ज्यादा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारे पास वर्क डन इन एडियाबेटिक एक्सपांशन, जिसके आने के चांसेस इससे भी ज्यादा है। पर ठीक है, अगर पेपर नॉर्मल रहा, मॉडरेट पेपर रहा, तो ये डेरिवेशन आएगा। और अगर थोड़ा सा टफ बनाने का सोचा तो सेकेंड वाला नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमने देखा आइसोथर्मल में पी इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, वैसे एडियाबेटिक में पी वी की पावर गामा क्या होता है? कॉन्स्टेंट। गामा मैंने बताया क्या होता है? रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, विच इज नोन एज एडियाबेटिक इक्वेशन। नो यहाँ से हम लोग पी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आता है? के बाय वी टू द पावर गामा और के इंटू वी टू द पावर माइनस गामा, देख सकते हैं ऐसा। नाउ इसमें हमें वर्क डन फाइंड करना है गैस के एक्सपांशन में। तो वर्क डन इन एक्सपांशन क्या होना चाहिए हमारे पास? पी डी वी मीन्स वर्क डन हो जाएगा वी वन टू वी टू पी डी वी, सिमिलर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ तक सेम है डेरिवेशन, बट यहाँ हम पी की प्लेस पे क्या पुट करेंगे? के इंटू वी टू द पावर माइनस गामा पुट कर सकते हैं ऐसा। के तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे हम लोग इसको, बचेगा हमारे पास वी की पावर माइनस गामा डी वी। नाउ ये एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। प्लस सी तब लगाते हैं जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, अभी हमारे पास डेफिनेट है, लिमिट है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? के इंटू वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन एंड लिमिट आ गई वी वन टू वी टू। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करें, इंटीग्रेशन समझ में आ गया सबको। ये देखो एक्स टू द पावर एन है, तो लिखा हमने एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, अपर लिमिट प्लस माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं हम लोग, ऐसा आ जाएगा ये। के को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, के वी टू टू द पावर माइनस गामा प्लस वन के वी वन टू द पावर माइनस गामा प्लस वन। नाउ एज वी नो पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट। यानी इस कॉन्स्टेंट की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? कॉन्स्टेंट की प्लेस पे हम लोग पुट कर सकते हैं पी वी, बट यहाँ वी टू है इसलिए मैं लिखूंगा पी टू वी टू की पावर गामा। और यहाँ k को हम लिखेंगे p1 v1 की पावर गामा, यानी जैसा वेरिएबल है वैसे ही हम k की वैल्यू पुट करेंगे।
तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है। ना पावर ऐड होगी बिकॉज बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड करो, गामा गामा कैंसिल, क्या आएगा हमारे पास पी टू वी टू एंड ये क्या आ जाएगा पी वन वी वन आएगा ऐसा। यानी हमारे पास वर्क डन क्या आ गया, वन अपॉन वन माइनस गामा ब्रैकेट में क्या है हमारे पास पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, सॉरी पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू क्या होता है आरटी फॉर वन मोल ऑफ गैस, तो वी कैन राइट वन अपॉन वन माइनस गामा आर, आर तो कॉन्स्टेंट है, आर टी टू माइनस आर टी वन। आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आता है हमारे पास टी टू माइनस टी वन। ना गामा की जो वैल्यू होती है ना वो मोर देन वन होती है, और अगर हमने इसको एज इट इज रहने दिया तो ये निगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से माइनस साइन दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। यानी हमने इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके लिखा गामा माइनस वन एंड यहां से माइनस साइन कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा टी वन माइनस, इन दिस वे वर्क डन बिकम्स आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। क्लियर, ये कौन सा वर्क डन आया हमारे पास, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आते हैं, यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं हमारे केटीजी के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसमें 100% आने वाला डेरिवेशन है हमारा प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये फुल ऑफ अजम्पशंस है, यहाँ डेरिवेशन में इतने अजम्पशन है कि तुम लोग थक जाओगे कि फिजिक्स में इतने सारे अजम्पशन लिए गए। हमें क्या फाइंड करना है कि ये कंटेनर में जो गैस रखी है वो इसके वॉल पे कितना प्रेशर अप्लाई करती है। नाउ हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि सपोज यहाँ कुछ एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द गैस, सो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसके एक सिंगल वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है वो हमने क्या अज्यूम किए स्मॉल एन, या कहीं पे इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, डजेंट मैटर, वो हमारे हाथ में हमें क्या अज्यूम करना है उसको। नेक्स्ट हमने ये अज्यूम किया है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी ऑफ एक्स है, वाई डायरेक्शन में वी ऑफ वाई है, जेड डायरेक्शन में वी ऑफ जेड है, ठीक। मतलब अभी तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, नॉट अदर देन दीज थ्री डायरेक्शन आर पॉसिबल। हमने यही अज्यूम किया कि कुछ वी एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ वी वाई में, कुछ वी जेड में, एंड प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन पी ऑफ एक्स हो गया, प्रेशर इन वाई डायरेक्शन पी ऑफ वाई हो गया, प्रेशर इन जेड डायरेक्शन पी ऑफ जेड हो गया। एंड अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन हमने ये माना है कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं तो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा अजम्पशन हो गया कि जितने भी मॉलिक्यूल है आधा लेफ्ट जा रहा है तो आधा कहाँ जा रहा है, राइट जाओ। वो शोले मूवी में देखा ना भाई, आधे इधर आधे उधर, बाकी जो बचे मेरे साथ हो, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो आधे लेफ्ट गए आधे राइट गए, और वही इस पे क्या लगा रहे हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगा रहे। अब प्रेशर में तुम्हें याद होगा कि प्रेशर यानी क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी पहले क्या निकालना पड़ेगा फोर्स, और न्यूटन का सेकेंड लॉ फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी पहले हमें निकालना पड़ेगा चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सपोज अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ बस अलोंग एक्स डायरेक्शन की, अभी एक ही डायरेक्शन में बात करें अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, मैं इसमें स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैपिटल पी में प्रेशर के लिए लूंगा, ये क्या निकाल रहे हैं चेंज इन
मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये क्या होगा हमारे पास, देखो अगर हम पार्टिकल के मूव करते समय उसकी वेलोसिटी को वी ऑफ एक्स अज्यूम कर रहे हैं अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो जब वो इस पे प्रेशर लगा के रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, बिकॉज हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है, देर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये माइनस वी ऑफ एक्स से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा। ये एम जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, याद रखना है एम क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में चेंज इन मोमेंटम जो आया अलोंग एक्स डायरेक्शन वो ये आया हमारे पास। ये क्लियर, ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं अभी। अभी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वो क्या होना चाहिए, देखो स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, स्मॉल एन इंटू क्या होना चाहिए, वॉल्यूम। तो पर वॉल्यूम कहाँ से आएगा, तो वॉल्यूम आएगा हमारे पास, वॉल्यूम यानी होता है एरिया इंटू लेंथ डिस्टेंस, एरिया एरिया ऑफ दिस अज्यूम क्रॉस सेक्शन, हमने सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन अज्यूम किया है, एंड सपोज दिस लेंथ ट्रेवल्ड इज एल विच इज इक्वल टू वी एक्स डेल्टा टी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, मैंने अभी इसको ना एक्स डायरेक्शन लेते हैं, प्लस एक्स डायरेक्शन नहीं लेते, ये टोटल मॉलिक्यूल है लेकिन हमने क्या अज्यूम किया, हाफ लेफ्ट आधे इधर आधे उधर, तो ये अभी हमको ये तो टोटल आ गए भाई, इनका आधा करना पड़ेगा ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन क्या आने चाहिए हमारे पास, हाफ ऑफ दिस दैट इज हाफ ऑफ क्या होगा, एन इंटू एरिया इंटू वी एक्स डेल्टा टी। नाउ ये हाफ मॉलिक्यूल का टोटल जो मोमेंटम होगा, जो हमने मोमेंटम निकाला था वो एक पार्टिकल का था, मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जो होगा ये सिंगल मॉलिक्यूल का था, मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन है ना, अब सिंपली बुक में ये लोग जो लिखते हैं ना वो एक्स डायरेक्शन लिखते हैं, तो अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन जो टोटल मोमेंटम होगा, अभी मैं इसको पी ऑफ एक्स से लिख रहा हूँ, डेल्टा पी ऑफ एक्स ही चलने देते हैं, तो वो हो जाएगा हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी इंटू दिस मोमेंटम दैट मीन्स 2 m v of x। नाउ दिस 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, यानी मोमेंटम क्या बन जाएगा भाई हमारे पास, n a v x स्क्वायर m डेल्टा t बनेगा, ये m को भी आगे ले लेना चाहिए था। नाउ इस डेल्टा t को अपॉन में ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बनना चाहिए, फोर्स m n a वी एक्स स्क्वायर, तो दिस इज नोन एज फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। भाई हमें फोर्स नहीं चाहिए, हमें तो प्रेशर चाहिए ना, फोर्स अपॉन एरिया है वी स्क्वायर एक्स, नाउ फोर्स अपॉन एरिया एम एन वी ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन।
दिस विल बिकम प्रेशर अलोंग एक्स डायरेक्शन आया, लेकिन हमें टोटल प्रेशर चाहिए। हमें क्या चाहिए? टोटल प्रेशर। अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा? वी वाई स्क्वायर। अलोंग जेड डायरेक्शन क्या होगा? एम एन वी जेड स्क्वायर। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ वाई इक्वल टू पी ऑफ जेड इक्वल टू हमने क्या मान लिया? पी। प्रेशर इन वन डायरेक्शन इन एनी डायरेक्शन वन थर्ड ऑफ पी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्या आना चाहिए हमारे पास? पी ऑफ जेड। यानी ये होना चाहिए वन थर्ड ऑफ एम एन इंटू वी ऑफ एक्स स्क्वायर एम एन इंटू वी वाई स्क्वायर प्लस एम एन इंटू वी जेड स्क्वायर। तो प्रेशर अप्लाइड क्या होना चाहिए? वन थर्ड ऑफ नाउ एक टर्म आती है आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यानी हम इन तीनों के स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? इस तरह से आएगा। इसको हमने कौन सी वेलोसिटी बोला है? आरएमएस वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एग्जाम में हमने जो जो अजम्पशंस लिए हैं वो सब लिखना पड़ेंगे तुम्हें। क्लियर है? ये डेरिवेशन 3 to 5 मार्क्स में कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट डेरिवेशन जो 2 to 3 मार्क्स में मिल सकता है। शो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या प्रूव करना है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। भाई जैसा हमने देखा प्रेशर यानी क्या होता है? वन थर्ड एम एन इंटू वी स्क्वायर होता है ऐसा। एंड हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट गैस फॉर वन मोल। नाउ पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? nRT, but for one mole of gas, P equal to क्या होगा? RT. यानी P की place पे हम लोग क्या put कर सकते हैं? RT by V. तो हम P की place पे रख देते हैं भाई RT by V. Now V को cross multiply कर दो वॉल्यूम को एन इंटू वी इंटू वी स्क्वायर आएगा। ये स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमने इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आने चाहिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कितने कंसिडर किए? वन मोल। सो ये एन इंटू वी को क्या मैं एवोगैड्रो नंबर लिख सकता हूँ? बिकॉज हम वन मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह से हमारे पास आएगा ये एवोगैड्रो नंबर। ऐसा आ गया। ये हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो ये थ्री एन ए सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। वेलोसिटी राइट साइड में रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास सी आर टी बाय एन ए इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? एम वी स्क्वायर। वी मीन्स वेलोसिटी है ना, और हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो हमने दोनों साइड टू से डिवाइड कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। नाउ दिस हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 3/2 आर बाय एन ए इंटू टी। दिस आर बाय एन ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अनादर कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट
जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 टेन टू द पावर -23 जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन गया। यहाँ पर के ऑफ बी पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 3/2 के ऑफ बी, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टी। इन दिस वे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बिकॉज ये तो पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है ना। तो एग्जाम में ऐसा भी बोल सकते हैं, शो दैट फॉर एन आइडियल केस काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन फ्री पाथ लास्ट डेरिवेशन जो 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बट पहले डेफिनेशन समझ ले, व्हाट इज मीन फ्री पाथ। हमें पता है गैसेस के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो विदाउट कोलिजन वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मतलब बिना टकराए वो जितना मूव कर सकते हैं, दैट एवरेज पाथ इज नोन एज मीन फ्री पाथ। एंड हमें उसी का फॉर्मूला डिराइव करना है मीन फ्री पाथ का। नाउ मीन फ्री पाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्ब्डा, उसके ऊपर बार लगाएंगे एवरेज पाथ। यहां पर भी हमने एक एन लिया है, एन मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया है। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमने क्या लिए यहां पर एन। नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एन इंटू वॉल्यूम। यहाँ हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, एंड हमने ये भी लिया है कि हर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर भी क्या है हमारे लिए, डी। इस पूरे सिलेंडर का रेडियस डायमीटर 2D है, रेडियस क्या है, डी। यानी ये जो डी ले रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल का डायमीटर। मॉलिक्यूल के डायमीटर को हमने क्या अज्यूम किया है, स्मॉल डी। तो ये जिस वॉल्यूम में मूव करेगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस यानी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ एरिया जो होगा वो क्या होगा, पाई इनटू डी स्क्वायर। हम किसका एरिया ले रहे हैं, इस सिलेंडर का एरिया जिसमें वो मूव कर सकता है, मे बी वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। तो इस सिलेंडर में जिसमें मूव कर सकता है उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर। पॉसिबिलिटी क्या है, देखो वो मॉलिक्यूल यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ कर सकता है, या यहाँ मूव कर सकता है विदाउट कोलिजन, क्योंकि अगर यहाँ इनमें से बीच में कहीं पर भी यहाँ आ गया तो उसका कोलिजन होगा। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जो इस सिलेंडर में मूव कर रहे हैं। नाउ मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मीन फ्री पाथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट पर मॉलिक्यूल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर मॉलिक्यूल इज नोन एज मीन फ्री पाथ। नाउ वी इंटू टी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास, एन पाई डी स्क्वायर वी इंटू टी। वी इंटू टी क्या हो गया, कैंसल। तो ये जो बचा ये हमारे पास क्या है, इसका मीन फ्री पाथ, दैट इज एन इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर इज नोन एज मीन फ्री पाथ। तो ये इसका लास्ट डेरिवेशन था, हो सकता है 2 मार्क में पूछा जाए, व्हाट इज मीन फ्री पाथ एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.